कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो इसको अच्छे से पहले समझिए और उसके बाद ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करिए। मनी आपकी हार्ड एंड मनी है, तो अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे पहले जो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी। तो उन्होंने यहाँ पर एक जो ट्वीट है उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं एक ट्वीट चल रही थी कि जिसमें कहा ये जा रहा था कि इथेरियम जो है वो बिग टेक्नोलॉजी जो बिग टेक कंपनीज है उनको डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखा है कि वो भी चाहते हैं कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं उनको कुछ किया जाए, सो दैट कि वो अकेली ही अपना होल्ड है वो ना बनाकर रखे। लेकिन एक टेक्नोलॉजी अकेली ये नहीं कर सकती है, तो उनके अकॉर्डिंगली अकेला इथेरियम ये चीज नहीं कर सकता है, बाकी सारी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी को मिलकर ही ये काम करना होगा, अकेला इथेरियम उतना नहीं हो सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इथेरियम को एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिली थी, हल्की सी करेक्शन जो थी वो आई थी, लेकिन उसके बाद वापस इथेरियम ने जो अपनी गेन थी वो कर ली थी। और अगर हम बात करें तो 3200 का जो आंकड़ा था उसके ऊपर चला गया था वो। अगर इसकी बात करें तो XRP का जो लॉस उठ चल रहा है SEC के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आप ये कहें कि खबरें उड़ रही हैं या जो अभी रिसेंट SEC ने एक सेटलमेंट किया है एक और ब्लॉकचेन के साथ, जहां पर उन्होंने मेरे ख्याल से काफी बड़ी अमाउंट जो है वो पे करी है SEC को उस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में, सो दैट कि उनका जो केस है वो खत्म हो जाए। तो कहा यह जा रहा है कि क्या XRP के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनकी भी जो सेटलमेंट है वो हो जाए XRP की SEC के साथ, सो दैट कि XRP अब आगे जो है अपना काम सही तरीके से कर पाए और बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाए। तो इसी में ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी स्पेकुलेशन के चलते क्या XRP अपनी नई हाइज ले रहा है, XRP गेन कर रहा है कि कहीं सेटलमेंट की न्यूज आ जाए और सेटलमेंट होते ही XRP बिल्कुल फ्री हो जाए SEC के लॉसूट से और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फिर अपने लेवल पे अपनी सारी जितनी भी आप ये कहेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो कर ले, अपने इंटीग्रेशन करे बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, अपने टाई अप्स करे बाकी जो बिजनेसेस के साथ, जैसे कि अभी रिसेंट रिपल नेट उनका जो है वो दो जगह अलग अलग जगह पर जापान में भी और कोरिया में भी उनका जो रिपल नेट है उसको थाईलैंड और बाकी की जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उस पूरे ब्रिज के ऊपर रिपल नेट को यूज किया जा रहा है रिमिटेंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप ये कहेंगे ऐसी इंटीग्रेशन के साथ XRP आगे बढ़ सकता है अगर ये सेटलमेंट हो जाती है, तो अगर ऐसी हवा उड़ रही है तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट जो है वो XRP को भी मिल रहा है। अभी न्यूज की बात करें तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर अपनी सपोर्ट दिखाई है बिटकॉइन के लिए भी और CBDC के लिए भी, तो उनके अकॉर्डिंगली इस चीज को इस टेक्नोलॉजी को मना नहीं किया जा सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम पर इससे बेनिफिट हो जाए, तो वो ओपन है इन दोनों चीजों के लिए। लेकिन उसी के बाद ही उनके जो इस कमेंट के बाद अगर बात करें जो सेंट्रल बैंक है वहां का अर्जेंटीना का उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने इस बयान के ऊपर अपना बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम क्रैकडाउन करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री के ऊपर अपनी कंट्री में। तो उनके अकॉर्डिंगली कहीं भी ये चीज आपको जो एक तरीके से जो प्रेसिडेंट ने कहा था उनके अकॉर्डिंगली अगर इन्फ्लेशन में हेल्प कर सकता है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज तो वो बिल्कुल इसमें आना चाहेंगे। लेकिन उनके जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक के हेड है उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम क्रैकडाउन करने वाले हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल दी, जो कि अगर आज की डेट में बात करें तो अगर वो बंदा अभी भी ऐसे बोल रहा है तो उसको अभी तक पूरी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो की, तो एक तरीके से उनको पहले पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी तभी इसके बाद कुछ किया जा पाएगा एटलीस्ट अर्जेंटीना। अभी उसकी बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो फर्म है लियोनटेक वो ऑफर करने जा रहे हैं क्रिप्टो एसेट्स को इन्वेस्टर जो जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी डिमांड जो है वो आ रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू उनके पास कि भाई हमें क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है और आप हमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाएं। तो उन्होंने अब अनाउंस किया है कि वो इन दोनों अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में अपनी क्रिप्टो एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो अगर ऐसा होता है तो और पैसा जो है वो क्रिप्टो की इकोनॉमी में आएगा और क्रिप्टो जो जल्द ही एक बार इससे पहले अगर हम बात करें तो वो 2 ट्रिलियन को टच कर गई थी अभी जब थोड़ा सा बूम देखने को मिला था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 1.94 ट्रिलियन पे है। तो अगर ये और अमाउंट जो है वो क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आता है तो एक बार फिर से हम देख पाएंगे कि 2 ट्रिलियन का जो मार्क है मार्केट कैप का वो जल्द ही फिर से अचीव जो है वो हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं वो है कडानो की, तो कडानो में कहा ये जा रहा है कि एट प्रेजेंट आपने भी देखा होगा काफी जो हाइप है यहाँ पर कडानो की बनी हुई है और यहाँ पर ये एनालिस्ट जो है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर कडानो जो है वो और ज्यादा बूम लेगा और अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको तो अचीव करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद वो और आगे जाने के लिए भी बढ़ेगा और करीब करीब उनके अकॉर्डिंगली $3 और $5 जो है वो आने वाले टाइम पर उसके जो टारगेट है कडानो के वो रहेंगे। तो एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं कि $2 तो उसने अचीव कर लिया है, तो उनके अकॉर्डिंगली $2 जो अचीव हो चुका है, अब इसके बाद 3, 3.5, 3.35 और 5 ये जो नई वैल्यूज है अब इसके बाद टारगेट रहेगा कडानो का इसके ऊपर, और हो सकता है कि इस साल के अंत तक $5 का जो आंकड़ा है वो कडानो जो है वो अपना अचीव कर ले जैसे ही उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाते हैं उसके बाद। उसी के साथ कडानो ने
ये बूम लिया है तो उसमें वो थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले ही। अलोंसो का जो हार्ड फोर्क आ रहा है उससे पहले यहाँ पर कार्डानो ने काफी बढ़िया गेन कर लिया है, तो कह रहा कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम पर इसके बाद वो और ज्यादा गेन जो है उसमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट, आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और थम्स अप का आइकन भी प्रेस करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया आपने अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।